लेते ना बैकग्राउंड, ये टाइमर लगा दे, सब आ साथ में आ जाएंगे। अरे चुप, ठीक है जाने। गजब बेइज्जती है। हेलो एवरीवन, तो आज संडे है और आज दशहरा भी है। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा बाहर, मेरे कॉलेज के दोस्त आए, सारे सब लोग आए आज। क्या कर रहे हो? ओके, तो सब लोग आ गए, पहले उनसे मिलते हैं, बाद में बात करते हैं। ओके बाय। हेलो गाइज, मेरा नाम है मयूर, आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं मेरे कॉलेज के दोस्त के साथ आया हूँ, जिसका नाम इसको देखा ही रहेगा। ओ ऋषि, हीरो हीरो, खास दोस्त मेरा अरविंद, वीआईपी स्पेशल वीआईपी, काफी दिनों बाद हमको मिलता है और मूड ही कहता है। निखिल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर, प्रोवाइडर यहाँ प्रोवाइडर, राइडर भी बंद होती है, कुछ भी गाड़ी। यार जो प्रोजेक्ट बना बेंचों, किसी लड़की का सेम आ गया था, तुम्हारी क्लास की थी क्या किसी क्लास की? वो एक्सटर्नल बोलती है ये लड़की भी लेके आई थी सेम, तुमने उसका कॉपी किया। बोला मैं जानता ही लड़की है कौन, मैं कॉपी करने चला गया, पता नहीं लड़की कौन है यार। जाने का भी अभी अंदर आगे चला वापस से क्या कहीं यही ऐसा आगे है ना, चलना। नहीं भाई ऐसा मत बोलो, हाँ तू चला ना, मैं पीछे बैठता है। तू मतलब सोच नहीं सकता इतनी अच्छी सोचते हैं। सलमान खान का, ये सलमान खान का यही भी गाड़ी लगानी पड़ेगी अपनी, अंदर अंदर से आते गाड़ी ये भी लगानी पड़ेगी। तो मैं मेरे कॉलेज के दोस्त के साथ आया हूँ और हम लोग गए थे वहाँ पे सलमान खान के फार्म हाउस के यहाँ पे, बट अंदर जाने नहीं दिया उन लोगों ने, रोड में पत्थर लगा दिए तो बाइक अंदर जा नहीं सकती थी और काफी अंदर जाना था इसलिए हम लोग गए नहीं। सर में आ गया था, ताली बजा रहा था, फिर पता नहीं क्या कर रहा था। बैकग्राउंड ये टाइमर लगा, सब ठीक है। गजब बेइज्जती है।
मेरे पास काला है ना, जैसे लिया ना एक फोटो। हाँ ना ठीक है ना, बस क्या गजब बेइज्जती है। दूल्हा को भाई ने बड़ी कुर्बानी दी, भाई ने एक भी फोटो नहीं निकाला है। हाँ भाई एक भी नहीं निकला। हाँ मैंने फोटो निकाला मैं। ओके अगर आप इस जगह पे आना चाहते हो तो जो मेरे से राइट मारते हो वाकड़ी करके गांव है, राइट टर्न मार के आप आ सकते हो उस जगह पे। अंदर उतरने के लिए जगह ही नहीं तैयार है ना, तो हम अंदर यहाँ तक जाते थे हम लोग। अच्छा यहाँ पे फोटोज काफी अच्छे निकले इस यहाँ पे, जो ये जो बैकग्राउंड है यहाँ का, यहाँ से हमने फोटोज काफी फोटोज निकाली है। गाड़ी पंचर हो चुकी है तो अभी हम लोग अभी निकलने वाले हैं। अपन कुठे तरी सनसेट ला थांबू तिकडे। ओके तो काफी सारे फोटोज वगैरह निकाल लिए हमने, अभी हम लोग निकलने वाले हैं। अगर आप इस जगह पे आना चाहते हो तो आओ, अच्छी जगह है और पनवेल से काफी नजदीक है, 10 से 15 किलोमीटर में आ जाती है, काफी हैपनिंग प्लेस है।